ये एक ऐसा मोटर है जिसमें आपको चुंबक दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको नई 1.5 वोल्ट की बैटरी, मोटर रिवाइंडिंग का तार, पिने आदि चाहिए होंगी। एक मीटर लंबा मोटर रिवाइंडिंग का तार लें 25 गेज वाला और उसको गोल गोल करके 1.5 वोल्ट की नई बैटरी पर बांधें। बाद में इस छल्ले को बाहर निकालें और इस कुंडली के दोनों सिरों को एक एक गांठ लगा करके सीधा बाहर निकाल दें। अब ये रहा पहला सिरा और ये रहा दूसरा। अब आपकी कॉइल तैयार है पर इसमें करंट बहेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल इंसुलेटेड कॉपर वायर है। एक तरफ पूरी तरह से छील दें जिससे कि चमकीला तांबा तार दिखाई दे, पर दूसरी ओर केवल तीन तरफ ही छीलें, ऊपर दाएं और बाएं। इसमें एक तरफ इंसुलेशन रहेगा जो एक स्विच का काम करेगा, ऑन ऑफ होने का काम करेगा, एक ब्रश या कम्यूटेटर का काम करेगा। इस चित्र में और वो स्पष्ट दिख रहा है। फिर एक सिलाई मशीन की बॉबिन लें और उसमें भी इंसुलेटेड कॉपर वायर लें और उसको गोल गोल करके बांधें जब तक कि बॉबिन पूरी ना भर जाए। इस तार के दोनों सिरों को भी खुरच करके उनका इंसुलेशन निकाल दें, छील दें, चमकीला तांबा आपको दिखाई देगा दोनों ओर। जब इस कुंडली के अंदर बॉबिन के अंदर करंट बहेगा तो एक ये विद्युत चुंबक बन जाएगी। उसके बाद में एक साइकिल ट्यूब का रबर बैंड लें और उसको 1.5 वोल्ट की नई बैटरी के ऊपर चढ़ाएं और दो लंबी सेफ्टी पिन लें। इन सेफ्टी पिन को साइकिल के ट्यूब और बैटरी के बीच इस तरह से फंसा दें कि दोनों पिनें प्लस और माइनस के साथ में जुड़ी हों। इन दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट का वोल्टेज होगा। अब बॉबिन लें, बॉबिन को लेकर के बैटरी के ऊपर रखें और उसके दोनों सिरों को सेफ्टी पिनों पर बांध दें। जब आप बांधेंगे तो बॉबिन के अंदर करंट बहने लगेगा और वो एक विद्युत चुंबक बन जाएगी। उसके बाद अपनी कॉइल को दोनों सेफ्टी पिन के आंखों के बीच में रखें, छेदों में डालें और उसको हल्का सा झटका दें तो उसके अंदर करंट बहेगा और मोटर फर फर करके चलेगा। जब घूमने वाली कॉइल के अंदर इंसुलेशन आएगा तो स्विच ऑफ होगा, ऑन होगा। ये एक बहुत ही सुंदर मोटर है। यहाँ आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। इसमें किसी भी चुंबक की जरूरत नहीं पड़ती, विद्युत चुंबक के ऊपर आधारित। अगर आप एक चुंबक को ऊपर लाएंगे आप देख रहे हैं मोटर हल्का हो गया क्योंकि समध्रुव थे। अगर उल्टा करेंगे चुंबक को तो विपरीत ध्रुव हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बलवान हो जाएगा और ये मोटर तेजी से घूमेगा।